तो वहीं धार से बड़ी खबर है। धार में भीषण सड़क हादसा हो गया। एम्बुलेंस में जा घुसी तेज रफ्तार बाइक और हादसे में बाइक सवार तीन युवकों की मौत की खबर है। पेट्रोल पंप के सामने यह हादसा हुआ है। देर रात बाकानेर चौकी क्षेत्र में यह घटना हुई है। तो धार में भीषण सड़क हादसा हुआ है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, लगातार तेज रफ्तार का कहर देखा जाता है। एक बार फिर से तेज रफ्तार बाइक एम्बुलेंस में जा घुसी और हादसे में बाइक सवार तीनों युवकों की मौत हो गई है। पेट्रोल पंप के सामने ये हादसा हुआ है। देर रात की ये खबर है, देर रात की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। बाकानेर चौकी क्षेत्र में ये घटना हुई है। लगातार देखिए, हम भी अपील बरतते हैं IBC24 की तरफ से कि आप तेज रफ्तार से बचें, क्योंकि इस तरह के हादसे अक्सर सामने आते हैं जिसमें कईयों की जान चली जाती है। फिलहाल हादसे में तीन बाइक सवार मौके पर ही तीनों की मौत हो गई है। पेट्रोल पंप के सामने ये हादसा हुआ है और बताया जा रहा है बाकानेर चौकी क्षेत्र की घटना है। अमित वर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अमित, एक और सड़क हादसे की खबर निकल कर आ रही है, तीन लोगों की मौत हुई है, कैसे हुई ये पूरी जानकारी दें। जी बिल्कुल, ये रफ्तार का कहर एक बार फिर धार जिले में देखने को मिला है। लगातार इस तरह की घटनाएं जो है धार जिले में सामने आती रही हैं। ताजा जो घटना है ये धार जिले के मनावर के बाकानेर पुलिस चौकी क्षेत्र की है, जहां पर देर रात तीन दोस्त थे, तीन युवक जो बाइक से मनावर की ओर आ रहे थे। इस दौरान बाकानेर के मनावर मार्ग पर एक एम्बुलेंस 108 एम्बुलेंस उससे जोरदार भिड़ंत हो गई। इस दर्दनाक हादसे में दो युवकों की मौके पर मौत हो गई, वहीं एक जो युवक था गंभीर घायल था, जिसे मनावर भेजा गया उपचार के लिए, जहां से उसे बड़वानी रेफर कर दिया गया था। वहीं बड़वानी में उपचार के दौरान तीसरे युवक की भी मौत हो गई। इस घटना के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। वहीं आपको बता दूं कि जो पुलिस है, पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। साथ ही आपको बता दूं, ये सभी तीनों जो मृतक युवक हैं ये मनावर के आसपास के गांव के ही रहने वाले हैं, और फिलहाल इनका जो पोस्टमार्टम है मनावर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कर परिजनों को शव सौंप दिए गए हैं। जी चलिए, शुक्रिया अमित जानकारी के लिए।